चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है क्यूरी लॉ कैन बी रिटन एज, देखो क्यूरी लॉ जो होता है वो साई एम, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी, ठीक है, ये पहले लॉ बनाया गया था, ठीक है, और इसको इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सी अपॉन टी लिखते हैं, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट बोला जाता है इसको, और मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूरी लॉ क्या है, वो है साई एम इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी माइनस टी सी, ये पॉइंट याद रखो, ये पहले लॉ क्यूरी ने बनाया था और उसके बाद से क्यूरी ने इसको मॉडिफाई किया था, साई एम इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी माइनस टी सी, जहां पर टी सी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल या इसको क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसको क्यूरी टेम्परेचर बोल दो, क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर होने पे मटेरियल फेरो की जगह बिहेव करने लगता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है, पैरा फेरो से वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किसी मैग्नेटिक मटेरियल का होता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उससे ज्यादा हो जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, ये पॉइंट याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, तो बुक में ये भी क्यूरी का लॉ दिया होगा, ये भी दिया होगा, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।